सामने पर बात है बहुत बड़ी लोग बच गया सर हमारी व्यवस्था समझिए हम जाएंगे तो कौन बोले कि गांव में जाएंगे। बिहार की व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मोतिहारी मेहसी प्रखंड के राजकीय कृत तिरहुत उच्च माध्यमिक विद्यालय के दूसरी पाली में 2 मिनट देर से पहुंचने पर परीक्षार्थी को अंदर नहीं जाने दिया गया। इससे परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर बैठकर रोने लगा। हालांकि विद्यालय के टीचर्स को कोई दया ध्यान नहीं आया, जबकि बच्चे कभी कभी लेट हो जाते हैं और जब टीचर्स लेट होते हैं तो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन आज बच्चे थोड़े से लेट हो गए तो बच्चों का एग्जाम छुड़वा दिया गया। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज एक बेटी को एग्जाम देने के लिए सरकारी स्कूल के टीचर्स इसके जिम्मेदार कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा बिहार तरक्की पे है, लेकिन सच तो यह है कि बिहार में आज भी गुंडा राज चल रहा है। आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे रो रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। आखिर हमारे देश में बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है? आज इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन कोई यह नहीं सोचे। बस देखा गया तो टाइम वो भी सिर्फ 2 मिनट। बच्चे सुबह से शाम तक परीक्षा केंद्र पर बैठे रहे, लेकिन उन्हें कोई अंदर जाने नहीं दिया। क्या यही शिक्षा व्यवस्था है? लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।